अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज की ये वीडियो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल के हवाले से है। कोलेस्ट्रॉल का मसला बढ़ता जा रहा है, हमारा कुछ लाइफस्टाइल भी ऐसा होता जा रहा है। तकरीबन हर बंदे को कोलेस्ट्रॉल जो है उसका मसला है। 40 के बाद यूजली देखा गया है कि कोलेस्ट्रॉल हायर एंड पे रहना शुरू हो जाता है। क्या वजूहत हैं इसकी, डाइट में हम क्या मॉडिफिकेशन करें कि कोलेस्ट्रॉल को मैनेज किया जा सके और किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की बुनियादी वजह यह है कि हमारा कुछ लाइफस्टाइल ऐसा है, वॉक रही नहीं, फ़िज़िकल एक्टिविटी रही नहीं। पहले लोगों के बड़े घर होते थे, वो जितना खाते थे अपने घर में ही उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी इतनी हो जाती होती थी कि वो उसको बर्न कर लेते थे। अब ऐसा है कि एक फ्लैट में रह रहे हैं या अगर किसी का बहुत बड़ा घर भी है तो 10 मरले या कैनाल का घर है जिसमें इतनी ज़्यादा आपकी ज़ाहिर है फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं हो पाती। दूसरी बड़ी वजह आती है हमारा जंक फूड का इनटेक, जो कि हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी रही नहीं और जंक फूड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हम एक बटन दबाते हैं और खाना हमारे घर पहुंच जाता है जिसमें हमें नहीं पता कि किस किस्म का ऑयल इस्तेमाल हुआ है, किस किस्म के इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर डले हैं, उनकी क्वालिटी क्या थी हमें नहीं पता होती। और ये चीज़ भी ज़ाहिर है कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने की बड़ी वजह बनती है। तीसरी वजह बनती है अगर आपके घर में कोई अनहेल्दी ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे देसी घी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ लोगों को मैंने देखा वो नाश्ता भी देसी घी में कर रहे हैं, दोपहर का खाना भी देसी घी में बना के खा रहे हैं और रात का खाना भी देसी घी में बन रहा है, तो जाहिर है अगर अनहेल्दी ऑयल का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा है तो उससे भी कोलेस्ट्रॉल का मसला बन सकता है। चौथा मसला आता है कि आपका कुकिंग ऑयल तो ठीक है लेकिन आपने खाने को पका इतना ज़्यादा लिया कि उसकी सैचुरेशन हो गई है, यानी कि अगर आपने कुकिंग ऑयल लेट से कनोला ऑयल इस्तेमाल किया है, कॉर्न ऑयल इस्तेमाल किया जो कि बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा और कोलेस्ट्रॉल का मसला भी नहीं होने देता, लेकिन आपने खाने को घंटा भून लिया है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और ज़ाहिर है वो जो हेल्दी ऑयल है वो भी अनहेल्दी हो जाएगा। सो खाने को ओवर कुक करने से भी कोलेस्ट्रॉल का मसला जो है वो बढ़ जाता है। अब सबसे पहली मॉडिफिकेशन हमें क्या करनी है, सबसे पहली चीज़ आएगी कि आपने नेचुरल फूड की तरफ रहना है। नेचुरल फूड से मुराद ये होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करना है। अब होल ग्रेन्स में क्या आता है, चौकर की रोटी का इस्तेमाल करें, चौकर का आटा इस्तेमाल करें, ब्राउन राइस इस्तेमाल करें रादर देन वाइट राइस के। जितना आप फाइबर ज़्यादा खाएंगे, जितना आप नेचुरल डाइट के करीब रहेंगे उतना कोलेस्ट्रॉल नीचे आएगा। इसके अलावा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में फ़ाइबर होता है। अगर आप छिलके के समेत इस्तेमाल करेंगे, जैसे पीच का अगर आप जूस बनाते हैं तो उसके लिए यूजली छिलका उतारना पड़ता है, जितना आप छिलके के साथ फ्रूट को इस्तेमाल करेंगे उतना वो सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा, एक तो शुगर से भी ज़ाहिर हमें बचाता है और दूसरा कोलेस्ट्रॉल को भी नीचे लाने में मददगार साबित होता है। सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा कर दें। जहाँ आप दिन में फूड जो है वो 2 से 3 दफ़ा खा रहे हैं और सब्ज़ियाँ सिर्फ दोपहर के खाने और रात के खाने में खा रहे हैं, वहाँ सब्ज़ियों का इस्तेमाल कम से कम 5 कप होना चाहिए, यानी एक पूरा बॉल आपने दोपहर के खाने के साथ लेना है और पूरा बॉल आपने रात के खाने के साथ लेना है। नाश्ते में भी अगर आप अंडा ले रहे हैं तो आप उसमें कोशिश करें कि थोड़ी सी सब्ज़ियाँ ऐड कर दें ताकि फ़ाइबर उसमें ऐड हो सके। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम रात के खाने के साथ सब्ज़ियाँ नहीं खा सकते, या एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि जी रात के खाने के साथ सब्ज़ियाँ नहीं खानी चाहिए। अगर गैस का मसला है तो फिर आप रात के खाने के साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी हरे पत्ते वाली सब्ज़ियाँ या मूली का इस्तेमाल ना करें, बाकी आप खीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर गैस का मसला नहीं है तो आप रात को सलाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़ाहिर है सेहत के लिए बेहतर है। अगर आपको नहीं पसंद सलाद का इस्तेमाल रात में करना तो आपने पूरे दिन में फिर किसी भी टाइम स्नैक में, चना चाट की फॉर्म में या किसी भी तरह आपने 5 कप कम अज़ कम सलाद का इस्तेमाल करना ही करना है कोलेस्ट्रॉल का अगर आपको मसला है। सो पहली चीज़ आ गई होल ग्रेन्स यानी चौकर की रोटी या ब्राउन चावल वगैरह, दूसरी चीज़ आ गई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, तीसरी चीज़ आती है प्रोटीन यानी कि गोश्त और गोश्त से बनी हुई चीज़ें। उनमें पहली चीज़ तो आपने ये देखनी है कि स्किन के साथ गोश्त का इस्तेमाल ना करें। स्किन से मुराद ये है जैसे मछली की जब हम स्किन उतारते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, फ़िश ऑयल हम उसको कहते हैं। सो ऑयल के साथ आपने गोश्त का इस्तेमाल नहीं करना। अगर मटन है या बीफ है तो उसकी चर्बी जो है, जो विजिबल चर्बी है, वो आपने रिमूव कर देनी है। गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल वैसे भी नहीं करना, गोश्त के अपने अंदर भी ऑयल होता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, बट आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी चर्बी उतार के। जहाँ तक बात है दालों की, तो दालें बहुत अच्छा फाइबर का सोर्स हैं जिसकी वजह से वो कोलेस्ट्रॉल को नीचे लेकर आती हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार साबित होती हैं। सो प्रोटीन आप इस्तेमाल करें, मॉडरेशन में इस्तेमाल करें, लेकिन चर्बी उतार के, जो विजिबल चर्बी है वो उतार के, और फिश और चिकन के केस में आपने उसकी स्किन रिमूव कर देनी है ताकि उसके अंदर जो अनहेल्दी ऑयल है वो ख़त्म हो जाए। चौथी चीज़ जो हमारे पास आती है वो आती है दूध दही यानी डेयरी की सर्विंग। लो फैट मिल्क या लो फैट योगर्ट का इस्तेमाल करना है। कैसे,
दूध है तो उसके ऊपर से बलाई आपने दो दफ़ा उतारनी है। एक दफ़ा दूध को गर्म किया, दूध को उबाला, उसको ठंडा होने दिया, उसके ऊपर बलाई आ गई, वो उतार के दोबारा आपने उसको एक दफ़ा उबाल लेना है और उसके ऊपर जो बलाई आएगी वो भी उतार लेनी है। वैसे तो अब मार्केट्स में हमारे पास स्किम मिल्क भी अवेलेबल है, लो फैट मिल्क भी अवेलेबल है, लेकिन चूँकि हम प्रेफर ये करते हैं कि हम फ्रेश मिल्क का इस्तेमाल करें, ताज़ा दूध का इस्तेमाल करें, सो उस केस में आपने दो दफ़ा कम अज़ कम बलाई जो है वो दूध के ऊपर से उतार देनी है। दूध, दही, मक्खन के ऊपर जो बलाई होती है वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने की बुनियादी वजह बनती है। हमारे तो लाइफस्टाइल में ऐसा है ना कि हमने मक्खन वाला पराठा बहुत शौक से खाना है, या हमने बलाई को जो है वो ताकत का सोर्स समझना है, सो जो बलाई है उसको रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जो स्किम मिल्क है जिसके ऊपर से आपने दो दफ़ा बलाई उतार लिया, आप उसी का ही दही इस्तेमाल करें, यानी दही के ऊपर भी बलाई नहीं होनी चाहिए। अगर दही के ऊपर बलाई है तो वो ज़ाहिर है कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने की वजह बन सकता है। चीज़ का अगर आपने इस्तेमाल करना है तो लो फैट चीज़ का इस्तेमाल करें। लस्सी वगैरह जो है वो अगर आपने पीनी है तो वो कोशिश करें लो फैट मिल्क या लो फैट योगर्ट के इस्तेमाल की जाए। बाहर का जो दही है, फुल फैट योगर्ट जो है, जिसे हम स्वीटन योगर्ट भी कहते हैं, जो कि बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, फ्रोजन योगर्ट हो जाता है, स्वीटन योगर्ट हो जाता है, जो स्नैक में बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, उसको कोशिश करें कि रिप्लेस कर लिया जाए अर्ली स्टेज पर ही लो फैट योगर्ट के साथ, ताकि आपकी जो लेटर ऑन आते हैं वो यही हों कि आपको आदत है आपने लो फैट योगर्ट खाना है, आपका टेस्ट डिवेलप हुआ हो और लेटर ऑन आपको कोलेस्ट्रॉल का किसी किस्म का मसला ना आए। पांचवी जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है कि आपने कौन सा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना है। आखिर ज़ाहिर सवाल ये आता है, देसी घी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम खाना बहुत ज़्यादा पका नहीं सकते, तो आखिर ऑयल कौन सा इस्तेमाल किया जाए। कैनोला ऑयल सबसे बेहतर है, कॉर्न ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है, सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगेन, अगर आपने ऑयल बहुत हेल्दी ले लिया, जो 1500 रुपये का थोड़ा सा ऑयल आता है आपने बेशक वो ख़रीद लिया और उसको इतना ज़्यादा पका लिया कि उसकी सेचुरेशन हो गई है, तो किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। खाना आपने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, ये नहीं कि आपने खाना कच्चा छोड़ देना, आप गोश्त पका रहे हैं आधा कच्चा आधा पके, ये नहीं करना। बस गोश्त को पका के या खाने को पका के तो उसको एक्सेसिव आपने हीट नहीं देनी, ज़रूरत से ज़्यादा उसको भूनना नहीं है। जो हम दालों को तड़के लगा रहे होते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। दाल बगैर तड़के के भी खाई जा सकती है, एक दफ़ा टेस्ट डिवेलप करने की बात होती है। इसके अलावा वॉलनट्स और आलमंड्स, बादाम और अखरोट बहुत अच्छे हैं कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाने के लिए, सो बादाम और अखरोट का रेगुलरली इस्तेमाल किया जाए। हर वो चीज़ जिसके अंदर फाइबर है, जैसे तुख मलंगा हो गया, इसबगोल हो गया, सप्लीमेंटेशन के तौर पे हम इनको भी, ऑल्दो ये सप्लीमेंट्स नहीं है लेकिन एक एडिशनल चीज़ के तौर पे हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम तुख मलंगा इस्तेमाल करें, वो फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। चिया सीड्स यानी तुख में दाऊदी का इस्तेमाल करें, वो फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। इसबगोल सप्लीमेंट जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का। सो हमने बेसिकली फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, होल ग्रेन्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, अनहेल्दी ऑयल को अवॉइड करना है, बलाई और मक्खन वगैरह इन चीज़ों को अवॉइड करना है, जो विजिबल चर्बी होती है गोश्त के ऊपर हमने उसको बेसिकली अवॉइड करना है, और हैंडफुल ऑफ नट्स यानी कि बादाम और अखरोट का इस्तेमाल रेगुलरली करना है। इस सब के साथ साथ हमने अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे भी ध्यान देना है। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया तो वो हार्ट के प्रॉब्लम्स लेकर आ सकता है, उसको वक्त पर हमें कंट्रोल कर लेना चाहिए। अब फिज़िकल एक्टिविटी अगर आप बहुत ज़्यादा, लेट से आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, आप एक वक्त में एक घंटा वॉक नहीं कर सकते, आप 20 मिनट करके 3 वॉक कर लें हर खाने से पहले। खाने के बाद वॉक का कोई फ़ायदा होता, खाने से पहले हमेशा वॉक करनी चाहिए। सो नाश्ते से पहले 10 मिनट की वॉक या 20 मिनट की वॉक, दोपहर के खाने से पहले जितनी आप वॉक कर सकते हैं कर लें, बाद में आप अपना स्टेमिना बिल्ड करें। 10 मिनट से शुरू करके आप 20 मिनट पे आ सकते हैं, 20 मिनट से शुरू करके आप 30 मिनट पे आ सकते हैं। सो जितने आप फिज़िकली एक्टिव होंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। फिर कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे साइकिलिंग जो है वो बहुत अच्छी है हार्ट के लिए। सो कुछ एक्सरसाइजेज जो ज़ाहिर आपको ट्रेनर्स बेहतर बता सकते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं, उनको रेगुलरली करें एंड जितना हो सके फिज़िकली फिट रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।